तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिद्ध भगवान बनने की प्रेरणा हम सबको दौलत राम जी दे रहे हैं, आइए देखते हैं कि और किस प्रकार से वे सिद्ध बनने की प्रेरणा देते हैं। मंगलाचरण से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साउणम। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जो लोग पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। सिद्ध भगवान बनने की प्रेरणा दौलत राम जी ने अब तक दी और कहा कि उन्हीं का जीवन धन्य है जिन्होंने कि पांच प्रकार के संसार का अभाव करके और सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त किया। वास्तव में सबसे सर्वोत्कृष्ट सुख सिद्ध अवस्था में है और सिद्ध अवस्था का जुक्स इन्होंने प्राप्त किया है, अर्थात सिद्ध अवस्था जिन्होंने प्राप्त की है, जो सिद्ध हो गए हैं वे ही असली भोगी है। बाकी तो इस संसार में जितने जीव हैं वे सब पांच इंद्री के विषयों के रोगी हैं। संसार रोगियों से भरा है, भोगी तो मात्र सिद्ध भगवान है अथवा पंच परमेष्ठी है। ये संसार में जितनी विषयों की सामग्री है जिसे हम भोग सामग्री कहते हैं वह वास्तव में भोग सामग्री नहीं है, वह रोगों की सामग्री है, रोग बढ़ाने की सामग्री है। कौन सा रोग बढ़ाती है? पांच इंद्री के विषयों का रोग बढ़ाती है और कषाय को वृद्धिगत करती है। इस संसार के अंदर सारे जीव कषाय की भट्टी के अंदर जल रहे हैं, कषाय की अग्नि से सारा विश्व जल रहा है। पांच इंद्री के विषयों की चाह सारे जीवों को परेशान किए हुए है। मोह राग द्वेष ने सारे संसार को अपना गुलाम बना रखा है। ऐसी इस विकट स्थिति के अंदर अनंतानंत जीवों में से कोई एक जीव पुरुषार्थ करके और मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है वह जीव वास्तव में धन्य है। बाकी तो अनंतानंत जीव इस संसार में जन्म मरण के चक्कर खा रहे हैं। तो दौलत राम जी कहते हैं कि वे ही जीव धन्य हैं जिन्होंने कि पांच प्रकार के संसार का अभाव करके उत्तम सुख की प्राप्ति की, जिन्होंने इस खारावार संसार अर्थात दुख भरे संसार को पार किया और संसार के पार होकर मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गए। आगे और दौलत राम जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तिन सुयस जल जग मल हरे इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लो नरो गजरा गहे तब लो झटित निज हित करो। भावार्थ, निश्चय और व्यवहार रूपी रत्न त्रय को जो भाग्यशाली जीव धारण करते हैं और आगे धारण करेंगे वे सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनका सुयश रूपी जल संसार के मैल का हरण करने वाला है, ऐसा जानकर आलस्य को छोड़ो और साहस करके यह सदुपदेश ग्रहण करो कि जब तक रोग या बुढ़ापा इस शरीर को नहीं घेरता तब तक जल्दी से अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। मुख्योपचार दुभेद यो, मुख्योपचार मुख्य अर्थात निश्चय,
और उपचार अर्थात व्यवहार। मुख्य को कहते हैं निश्चय, उपचार को कहते हैं व्यवहार। मुख्योपचार दुभेद यो, अर्थात मुख्य और उपचार के भेद से जो दो प्रकार का है, अथवा यूं कहें कि जो निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग को दौलत राम जी ने तीसरी ढाला के अंदर एक दोहे में परिभाषित किया था। निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा दौलत राम जी ने कही थी तीसरी ढाला में, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, अर्थात पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। उसी प्रकार पर द्रव्यों से भिन्न आपको जानपनो, अर्थात पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में जो लीनता है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा हमने तीसरी ढाला में समझी थी, और वहीं तीसरी ढाला में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताने के बाद व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप दौलत राम जी ने बताना प्रारंभ किया था, जो यहाँ आकर समाप्त होता है। तो इस प्रकार व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा भी हो गई और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भी चर्चा हो गई। ऐसे दो प्रकार का मोक्ष मार्ग हुआ। मोक्ष के मार्ग क्या दो हैं? मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, यथार्थ है सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो उस मोक्ष मार्ग का सहचारी कारण है अथवा मोक्ष मार्ग का हेतु है, उसे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। जो मोक्ष मार्ग के साथ रहता है और जो मोक्ष मार्ग का कारण होता है, उसे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वास्तव में मोक्ष का मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग जीवों के लिए सहकारी होता है। तो इस प्रकार जो निश्चय व्यवहार के भेद से जो दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हैं, उन मोक्ष मार्ग पर जो चलता है, उन मोक्ष मार्ग को जो प्राप्त करता है, ऐसा जीव बड़ा भाग्यवान कहा जाता है। मुख्योपचार दुभेद यो, अर्थात मुख्य और व्यवहार उपचार के भेद से, निश्चय व्यवहार के भेद से ऐसा जो दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है, उसको बड़े भाग्यवान जीव धारण करते हैं। रत्नत्रय को धारण करने वाले जीव बड़े भाग्यवान हैं। बड़भागी रत्नत्रय धरे, मुख्योपचार दुभेद यो, बड़भागी रत्नत्रय धरे, अर्थात मुख्य और उपचार के भेद से, निश्चय व्यवहार के भेद से जो दो प्रकार का रत्नत्रय है, उसको बड़े भाग्यवान जीव धारण करते हैं। धर्म मार्ग पर कौन चलता है आगे? जो बहुत भाग्यवान होता है। संसार में सबसे उत्कृष्ट भाग्य उसी का है जिसको मोक्ष मार्ग मिला है, जिन्हें संसार के तुच्छ भोग मिले हैं, जो कि इस भाव के अंदर भी साथ रहेंगे या न रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सारे भोग काले सर्प की भांति है, जो कि जीवों को अत्यंत दुख देते हैं। जब इन भोगों का वियोग होता है, तो जब ये उस समय ये जीव जीव को त्रास देते हैं, वैसा त्रास जहर भी नहीं देता। ये तो काले सर्प के समान है। सर्प तो एक ही भाव में मृत्यु देता है, लेकिन ये भोग भाव भाव के अंदर जीव को दुखी करते हैं। इन भोगों का गुलाम होकर जीव मृत्यु से भी अधिक पीड़ा को भोगता है। तो कहा है कि बड़े भाग्यवान जीव वे हैं जिन्होंने कि रत्नत्रय को प्राप्त किया। आज हम पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा करते हैं, आज हम 24 तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं। क्यों करते हैं? हम उन्हें बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। तो जिस धर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त की, आज वही धर्म का मार्ग हमें धारण करना भाग्य का विषय नहीं लगता। आज कोई जीव यदि धर्म मार्ग पर चलता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत भाग्यवान जीव है, बल्कि धर्म मार्ग पर चलने वाला जीव हमें अभागा दिखाई देता है। हमें उसके ऊपर दया आती है, हमें उस पर करुणा आती है। हमें लगता है कि अरे ये जीव कैसा है, बेचारा सुख नहीं भोग रहा है। जबकि वास्तव में जिस जीव ने धर्म मार्ग को अपनाया है, जिसने धर्म के मार्ग को अपना जीवन बनाया है, जिसने धर्म में अपना जीवन समर्पित किया है, वास्तव में भाग्यवान वे ही हैं। यदि पंच परमेष्ठी और यदि 24 तीर्थंकर को हम महान मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि धर्म सबसे महान वस्तु है, और धर्म पर जो चलेगा वही वास्तव में बड़ा भाग्यवान कहलाएगा। तो ऐसे बड़े भाग्यवान जीव वो हैं जिन्होंने कि दो प्रकार के रत्नत्रय को धारण किया है, और किस किस प्रकार से उनकी बड़े भाग्यवान पना है, इसको हमें कल्पिराम के बाद समझेंगे।
जय जिनन छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि वे जीव धन्य हैं जिन्होंने की रत्नत्रय की प्राप्ति की है। वास्तव में भाग्यवान वे ही जीव हैं जिन्हें आज धर्म की प्राप्ति हुई है। जो जो जीव धर्म मार्ग पर लगे हैं अथवा जिन्हें धर्म की रुचि है, रत्नत्रय की रुचि है, मोक्ष मार्ग की रुचि है, वास्तव में वे ही जीव भाग्यवान है। संसार में पंच इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति होना और संसार के अंदर कषायों की पूर्ति हो जाना, ये तो अनंत बार हुआ है, लेकिन जो कार्य आज तक नहीं हुआ वह है निराकुलता रूप सुख की प्राप्ति, निर्विकल्प सुख की प्राप्ति। और वह जिसे प्राप्त हुआ है, उसको प्राप्त करने की दिशा में जिसने अपना कदम आगे बढ़ाया है, वास्तव में उसी का जीवन धन्य है। आज हम देखते हैं कि हम भगवान जिनेंद्र की पूजा भक्ति तो अत्यंत उत्साह से करते हैं, लेकिन हम भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चलने से कतराते हैं। हमें सच्ची भगवान की स्तुति नहीं है, हमें वास्तव में भगवान अत्यंत भाग्यवान नहीं दिखाई देते, हमें भगवान अनंत सुखी नहीं दिखाई देते। यदि वे अनंत सुखी दिखाई देते होते तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलते। यदि हमें भगवान के ऊपर भरोसा होता, हमें भगवान की बातों पर श्रद्धान होता, तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलते, उनकी बात को अवश्य सुनते। आज हम पूजन आदि के माध्यम से भगवान को तो खूब सुनाते हैं, भगवान जिनेंद्र की पूजा करते हैं, दो दो तीन तीन घंटे पूजा करते हैं, उनको तो हम अपनी बात सुनाते हैं, अपना दुख दर्द उन्हें तो बताते हैं, लेकिन जब भगवान उस दुख को दूर करने का उपाय हमें जिनवाणी के द्वारा बताते हैं तो हम उस जिनवाणी को सुनना पढ़ना पसंद नहीं करते। भगवान जिनेंद्र की दिव्यध्वनि समोषण में 7 घंटे 12 मिनट खिड़ती थी। आज हम 7 मिनट के लिए भी अपने जीवन को जिनवाणी सुनने में नहीं लगाते। हमें जिनवाणी पढ़ने वाले, जिनवाणी सुनने वाले, हमें वे भाग्यवान नहीं दिखाई देते। धर्म मार्ग पर जो जीव लगे हैं हमें वे भाग्यवान और हमें वे सुखी नहीं दिखते, बल्कि जो 5 पापों में, कषायों में और विषयों के अंदर डूबे हुए हैं, जो अनंत दुखी है, वे हमें सुखी दिखते हैं। ये हमारे विपरीत श्रद्धान के कारण है। इस संसार में जिस जीव की धर्म की रुचि उत्पन्न हुई है, वास्तव में उसने अपने मनुष्य भाव को सार्थक किया है, और जिसे धर्म की रुचि नहीं है वो पशु के समान है, उसका मनुष्य भाव निरर्थक है। वैसे भी मनुष्य भाव गिनती के मिलते हैं, और उन गिनती के मनुष्य भावों में भी समझिए कि एक भाव उसका और चला गया। इसलिए दौलत राम जी अत्यंत मार्मिक रूप से प्रेरणा देते हैं कि भाई, बड़े भाग्यवान वे ही है जिन्होंने कि मुख्य और उपचार के भेद से, निश्चय व्यवहार के भेद से रत्नत्रय को धारण किया है। आज जो जीव मंदिर भी जाता है और मंदिर जाने की भी जिसकी रुचि है और जिसकी स्वाध्याय की रुचि है, पूजन की रुचि है, और जो किसी प्रकार से धर्म मार्ग पर लगा है, वास्तव में वह जीव अल्पसंसारी है। आज रत्नत्रय के मार्ग पर इस पंचम काल में भी जो जीव लगे हैं वे जीव बहुत भाग्यवान है, वे जीव पूजा के योग्य, स्तुति के योग्य है। तो दौलत राम जी कहते हैं, मुख्योपचार दुभेद यो बड़भागी रत्नत्रय धरे अरु धरेंगे, और जो आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को धारण करेंगे ते शिव लहे, वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और तिन सुयस जल जग मल हरे, अर्थात वे अपने अच्छे भली भांति वाले यश के द्वारा, अपने अच्छे यश के द्वारा जगत का जो मेल है, तिन सुयस जग जल मल हरे, अर्थात संसार के कीचड़ को वे यश रूपी जल के द्वारा धो देते हैं। सिद्ध भगवान अपने आत्मिक वैभव के द्वारा संसार रूपी मेल को धो डालते हैं। सिद्ध भगवान का जो यश है वो पूरे 3 लोक में व्याप्त है। उनका आत्मिक वैभव आनंद, आत्मिक आनंद अनंत है, और उस आत्मिक आनंद, आत्मिक वैभव के द्वारा वे संसार रूपी मेल को धो डालते हैं। तो धन्य है वे जीव जिन्होंने कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपना कर और अच्छे यश के द्वारा, आत्मिक वैभव के द्वारा संसार रूपी मेल को दूर कर दिया। तिन सुयस जल जग मल हरे, इमि जानी, ऐसा जानकर
आलस हानि, आलस को दूर करके, साहस ठानी, साहस को धारण करके, यह सिख आदरो, ऐसी शिक्षा को आदर करो। कैसी शिक्षा का आदर करो, कैसी शिक्षा को धारण करो, कि जब लोन रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। जब तक तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आए, जब तक तुम्हें कोई रोग न घेरे, उसके पहले तुम झट से अपने आत्मा का कल्याण कर लो। इस मनुष्य पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा रोग आ जाए, कब बुढ़ापा आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो बुढ़ापा आने के पहले, रोग तुम्हें घेरे उसके पहले, हे भव्य जीवो, तुम अपनी आत्मा को धर्म के अंदर लगा दो। आलस को अब छोड़ो और अब साहस ठानो। इस संसार में प्रमाद के वशीभूत होकर तुमने अनंत काल खोया है। जिस प्रकार से जब नदी के अंदर खूब तेज प्रवाह होता है पानी का, तब कोई आदमी कितनी मेहनत करे तब भी वह निकल नहीं सकता। उसी प्रकार एकेंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, असंगी पर्याय में कोई जीव कितनी विशुद्धि प्रकट करे, लेकिन फिर भी वह रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन पंचेंद्री मनुष्य पर्याय के अंदर तुम्हें अवसर मिला है कि इस काल में तुम रत्नत्रय को धारण करके संसार से तिर सकते हो। जिस प्रकार जब नदी का प्रवाह मंद होता है और उस समय यदि कोई जीव पुरुषार्थ करता है, तैरने के लिए पूरी ताकत लगाता है, तो वह तिर जाता है और उसको कहा जाता है कि हे भाई, अभी नदी का प्रवाह अत्यंत मंद है, ऐसे काल में यदि तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुम नदी से अवश्य तिर जाओगे। और यदि इस काल को तुमने आलस से ऐसे ही गंवा दिया, अर्थात इस काल में तुमने यदि आलस नहीं छोड़ा और ऐसे ही समय गंवा दिया, तो नदी का प्रवाह तो पुनः तीव्र हो जाएगा। और जब नदी का प्रवाह पुनः तीव्र हो जाएगा, तो फिर उस नदी को पार करना असंभव हो जाएगा। इसलिए नदी का प्रवाह तीव्र हो उसके पहले तुम अपनी सारी शक्ति लगा के इस नदी के पार हो जाओ। अन्यथा कब बाढ़ के दरवाजे खुल जाए, कब जो भी जो बांध होते हैं उन बांधों के यदि दरवाजे खुल जाए और दरवाजों से यदि खूब तीव्र प्रवाह आए पानी का, तो तुम कितने ही पुरुषार्थ करोगे तब भी संसार समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। इसलिए यह जो अवसर मिला है, यह जो उत्तम कुल मिला है, उत्तम कुल मिलने के अलावा पाँच इंद्रियों की परिपूर्णता मिली है, शरीर स्वस्थ मिला है और अच्छी धर्म सुनने की समझने की रुचि उत्पन्न हुई है, ऐसे काल में तुम अपने आप को पूरी तरह से धर्म में समर्पित कर दो। यदि तुम पूरी तरह से अपने को धर्म में समर्पित कर दोगे, तो निश्चित है कि तुम्हारा एक दिन संसार का अभाव अवश्य होगा। इस प्रकार अत्यंत मार्मिक प्रेरणा दौलत राम जी ने दी। और दौलत राम जी क्या कहते हैं, इसको हम अल्प विराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, छहडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। दौलत राम जी की इस शिक्षा पर हमने चर्चा को समाप्त किया था कि इमि जानी आलस हानि, अर्थात ऐसा जानकर, आलस को दूर करके, साहस को धारण करके, यह सीख धारण करो कि जब तक बुढ़ापा और रोग हमें न घेर ले, उसके पहले झट से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। आलस केवल नींद लेने का नाम नहीं है, आलस के 15 भेद हैं। आलस का दूसरा नाम है प्रमाद। प्रमाद के 15 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से वे 15 भेद? 5 तो है इंद्रियों के विषय, 4 है विकथाएं, 4 है कषाय, और 1 है निद्रा, और 1 है स्नेह अर्थात प्रेम करना। ये 15 के 15 प्रमाद के भेद है, आलस के भेद हैं। इनमें लगना सरल है। 5 प्रकार की इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करना, 5 इंद्री के विषय भोगों को भोगना, वो बहुत सरल काम है। पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है। अर्थ और काम, इन दो पुरुषार्थ के लिए पूरा संसार रात दिन एक कर रहा है। लेकिन अर्थ और काम पुरुषार्थ को छोड़कर धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करना, ये किसी विरले जीव का कार्य है। अनंत जीवों में कोई एक जीव मोक्ष की साधना करता है, बाकी तो अनंत जीव संसार के पात्र बने रहते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगना सरल है। 4 प्रकार की कषायों की पूर्ति करना, क्रोध, मान, माया, लोभ अपने अंदर में पैदा करना
और उनकी पूर्ति करना, मान की पूर्ति करना, अपने अंदर में घमंड पैदा करना और दूसरे लोगों से अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करना और बड़ा दिख जाना, धन की इच्छा उत्पन्न करना और धन को प्राप्त करना, छल कपट करना, क्रोध करना, दूसरे का बुरा करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, ये सब कषाय उत्पन्न होना और कषायों की पूर्ति करना, ये तो सारे जीव संसार के कर रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ नहीं, कषायों की पूर्ति में पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ कषाय के अभाव करने में है। उसी प्रकार चार प्रकार की विकथाएँ, आज हमारे जीवन का बहुमूल्य समय विकथाओं में चला जाता है। कौन कौन सी विकथाएँ? स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा और भोजन कथा। जिस भोजन की चर्चा करने लायक नहीं है, वास्तव में आत्मा को भोजन करना शोभा नहीं देता, शरीर धारण करना आत्मा को शोभा नहीं देता और फिर शरीर से भोजन करना, ये तो वास्तव में आत्मा के लिए कलंक का विषय है। यही कारण है कि हम पूजा में बोलते हैं, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वा, अर्थात हे प्रभो इस क्षुधा रूपी रोग का नाश हो। तो जिस क्षुधा को हम रोग मानते हैं, क्या हम उस रोग की चर्चा बहुत लंबे काल तक करेंगे? क्या उस रोग को सब लोगों के सामने बताएंगे? और क्या उस रोग की पूर्ति होने में, रोग को बढ़ने में हम उसमें अच्छा भाग्य मानेंगे? तो इस प्रकार से भोजन की कथा वो एक विकथा है, हमारे अमूल्य मनुष्य भव को बर्बाद करने का एक साधन है। इसी प्रकार से हम राष्ट्र की कथा करते हैं, देश में क्या चल रहा है, किसकी अभी सरकार है, कौन प्रधानमंत्री है, कब चुनाव होने वाले हैं, इन सब चर्चाओं से यद्यपि हमारे इस लौकिक संसार का भी कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है और ना ही मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता है, तो भी हम अपने जीवन को व्यर्थ इन विकथाओं में लगाए रखते हैं। इसी प्रकार से चोर कथा, अर्थात किस प्रकार से धनाधिक टैक्स की चोरी की जाए जिससे कि हम खूब धनवान बन जाए, अर्थात धन को चुराने की कथाएं और धन के टैक्स को बचाने की कलाएं हम अनेक प्रकार से सीखने का प्रयास करते हैं। और स्त्री कथा अर्थात स्त्रियों के राग रंग को बढ़ाने वाली, स्त्रियों में राग रंग को बढ़ाने वाली कथाएं सुनते हैं, स्त्रियों में राग को बढ़ाने वाली नृत्य गान गीत नाटक आदि बड़े रुचि और प्रेम से श्रवण करते हैं, देखते हैं। तो ये सब आचार्यों ने विकथाएँ कही है जो हमारे जीवन को मोक्ष मार्ग से अत्यंत दूर ले जाती है। यदि हमें अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाना है तो हमें इन चार प्रकार की विकथाओं का अवश्य त्याग करना होगा। पुरुषों को स्त्री संबंधी राग को छोड़ना होगा और स्त्रियों को पुरुष संबंधी कथाओं को त्याग करना होगा। यदि स्त्री कथा अर्थात स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथाओं को देश कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा और चोर कथा, इन चार कथाओं में अपना जीवन देंगे तो हमारा मनुष्य भव बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं कि इन विकथाओं का त्याग करो, यह आलस है, इन कथाओं को करना आलस है। पांच इंद्रिय के विषय भोग को भोगना आलस है, चार कषायों की पूर्ति करना आलस्य है और निद्रा करना आलस्य, एक दूसरे से प्रेम करना, स्नेह करना आलस्य है। इस प्रकार के आलस्य को हे जीव तुम छोड़ो और साहस करो, अपने जीवन में संपूर्ण उद्यम लगा के धर्म की और धर्म की प्राप्ति का उद्यम करो, अर्थात अपने जीवन को संपूर्ण रूप से धर्म के अंदर समर्पित कर दो और ऐसी सीख को आचरण करो, अर्थात कि जब तक तुम्हारा बुढ़ापा न आए उसके पहले पहले तुम अपने आत्मा का हित कर लो, क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद इंद्रियां शिथिल हो जाएगी और जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तब देखते नहीं बनेगा, सुनते नहीं बनेगा, उस समय में मोक्ष मार्ग की आराधना असंभव सी हो जाएगी। जिस आदमी की रुचि आज धर्म में नहीं लग रही है, युवावस्था में जिसने अपना जीवन धर्म में नहीं लगाया है, उसकी वृद्धावस्था आने पर धर्म में रुचि असंभव सी है। जिसने अपना जीवन जवानी में धर्म में लगाया है वही बुढ़ापे में धर्म कर सकता है, जिसने जवानी धर्म में नहीं लगाई है उसका बुढ़ापे में धर्म में मन लगना बहुत मुश्किल है। वैसे भी पंचम काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सपने देखे थे उसमें एक स्वप्न था कि पंचम काल में धर्म की आराधना युवावस्था में होगी, इसलिए जब तक हमारे को बुढ़ापा न घेरे
उसके पहले हमें धर्म की भरपूर रूप से आराधना कर लेना चाहिए। बुढ़ापा तो आधे मृतक के समान कहा गया है। आधा मृतक अर्थात आधा जहाँ मर चुका है आदमी, क्योंकि पांच इंद्रियों की शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है। आदमी न देख पाता है न सुन पाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति एकदम कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में धर्म की आराधना बहुत मुश्किल हो जाती है। जब युवावस्था में जब उसके पास समय था, पांचों इंद्रियां अच्छी थी, तब जिसने धर्म की साधना नहीं की, अब वह वृद्ध अवस्था में कैसे साधना करेगा। और एक बात और कही दौलत राम जी ने कि जब तक तुम्हें रोग न घेरे, इस शरीर में लगभग 5,68,00,000 रोगों की संभावना है। उनमें से कब किसको कौन सा रोग आ जाए, कब हमें कैंसर हो जाए, कब किसको हार्ट का अटैक आ जाए, कब किसको शुगर की बीमारी हो जाए, कब किसके ऊपर कौन सी आपत्ति आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आपत्ति आने के पहले पहले हे जीवो तुम अपना आत्मा का कल्याण कर लो, झटिति अनिज हित करो, अर्थात झट से अपने आत्मा का कल्याण कर लो। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य बारूद के ढेर पर खड़ा है, और वो बारूद का ढेर कब उसमें आग लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। अर्थात अनंत प्रतिकूलताओं के बीच में हम खड़े हैं, कब कौन सी प्रतिकूलता का उदय आ जाए इसका किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए कोई प्रतिकूलता हमको आ घेरे, हमारा रोग आ जाए, अथवा हमारे ऊपर कोई बीमारी, अथवा किसी इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई और भयंकर आपदा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, उसके पहले हे भव्य जीवो हम आप सब उस धर्म को धारण करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावना के साथ में दौलत राम जी ने हम आप सबको धर्म में लगने की भरपूर प्रेरणा दी है। और अंतिम दोहे में दौलत राम जी क्या कहते हैं इसको हम कल अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिने। पाठशाला सार। संसार में कोई भी विपत्ति किसी को भी आ सकती है। विपत्ति आने के पहले ही प्रमाद को छोड़कर शीघ्र ही अपना आत्महित कर लेना चाहिए।